आज हमारे गांव सीथल में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ है, जो कि ग्राम पंचायत के पीछे नारदी टोरमल पोदार स्कूल का ग्राउंड है। उस ग्राउंड में प्रतियोगिता का सफल आयोजन की शुरुआत की गई है। इसमें प्रथम प्राइज 31,000 रुपये और सेकंड प्राइज 21,000 रुपये और थर्ड प्राइज 5,100 रुपये का 11,000 का तय किया गया है। 5,100 रुपये का तय किया गया है, जो कि सभी विजेता टीमों को दिया जाएगा। हमारे यहाँ आयोजन में लगभग 40 टीमों ने भाग लिया है, जो कि काफ़ी टीमें बाहर दूर दराज से आई है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी हरियाणा। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता की शुरुआत अजय कुमार जी भालोटिया द्वारा की गई, और जो प्रतियोगिता का शुभारंभ शहीद हवलदार मनीराम की पत्नी मुंडी देवी द्वारा किया गया है। इसका जो आयोजन है वो ग्रामवासियों के सहयोग और भामाशाहों द्वारा सभी लोगों ने मिलजुल कर इस प्रतियोगिता का हर साल सफल आयोजन किया जाता है। एक दिवसीय डे नाइट इस प्रतियोगिता का आयोजन है, वो डे नाइट का है और लगातार सभी टीमें खेलेंगी। सभी टीमों की खाने की, रहने की सबकी व्यवस्था की गई है और बिल्कुल सही और अच्छी व्यवस्था की गई है। इसी प्रतियोगिता के सम्मान में हमारे गांव के ही जितेंद्र कुमार जी इनका भी हमने बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया है। मैच शुरू किया जा चुका है और दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। इनमें एक टीम है घोड़ीवारा की और दूसरी टीम हमारे गांव सीथल की है, और मैच बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। काफी प्रथम धन्य है ये मिट्टी जिसने शहीद मनीराम जी और शहीद दत्तूराम जी महिला जैसे शहीद इस देश को दिए हैं। सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उनकी समर्थि में आयोजित इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जो बाहर से टीमें आई हैं उनका स्वागत करता हूँ। ग्रामीणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप भी है, जो भी साथी अपना रक्तदान यहाँ करना चाहें, और देखिए आप यहाँ भीड़ लगी हुई है खूब सारी, तो जो शहीदों की याद में जब भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे उसमें हम सब लोग, सब बड़े भाई अजय जी भालोटिया यहाँ खड़े हैं, कप्तान साहब ओम प्रकाश जी खड़े हैं, प्रताप जी कप्तान साहब खड़े हैं, और ये जो हमारी सीथल गांव की युवा टीम है इसने बढ़ चढ़ के जिस तरीके से इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में और इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लिया है, इसके लिए सभी लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार पुनः शहीद मनीराम जी महिला और दत्तूराम जी महिला को मेरी तरफ से नमन वंदन। मैं अजय भालोटिया जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 16 गांव बड़ा गांव से, मेरा ही वार्ड है शीतल। आज यहां पर शहीद मनीराम जी महिला व शहीद दत्तूराम जी महिला की जन्मभूमि है, इसको नमन करता हूं शीतल गांव की भूमि को, और बहुत बहुत शीतल जो है ये शहीदों की धरती है, और इस शहीदों की पुण्य स्मृति में ये चौथी प्रतियोगिता है। तो इसमें ओम प्रकाश जी कप्तान साहब हैं, प्रताप जी कप्तान साहब हैं, भाई सुधींदर जी मूड हैं, और सीथल की युवा टीम है, इन सब ने मिलकर रात दिन एक करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का जो जिम्मा लिया है, इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस ग्रामीणों को बहुत बहुत आभार और बधाई के पात्र हैं जो इस प्रतियोगिता के साथ साथ ब्लड कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं। और हमारे मोहर सिंह जी फोगाट साहब हैं, ये बहुत ही कर्मठ हैं, ये युवा दिलों के साथ रहते हैं, युवाओं का पूरा मार्गदर्शन करते रहते हैं शीतल ग्रामीणों का, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद है।
और ये कोच साहब हैं प्रताप जी और हमारे ओम प्रकाश जी, ये जहाँ कहीं भी क्षेत्र में युवाओं की कोई प्रतियोगिता हो और हो, ये सबसे आगे रहते हैं। इनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सुनील जी मेला जो झुंझुनू से आए हैं किसान फौज के, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी पत्रकार भी आए हैं भास्कर से, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे सिथल का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आयोजित इस ब्लड गेम और खेल प्रतियोगिता में मैं महालक्ष्मी ज्वेलर्स कुढ़ागोर जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और यहाँ के आयोजकों को साधुवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए जिससे लोगों का मनोबल बढ़े। जय भारत। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। आज जो सीथल गांव में जो शहीद मनीराम जी हैं उनके पुण्यतिथि पर जो ये खेल आयोजन किया गया है, और एक सबसे बड़ी बात है ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप भी इन्होंने आयोजित किया है, मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैंने ये देखा है कि यहां जो टीमें आई हैं 40 टीमें आई हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आसपास के जितने भी गाँव हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे मैच मिलते नहीं हैं, कृपा करके आप आएँ और ऐसे मैचों का आनंद उठाएं। और जितने भी युवा साथी हैं उनको मेरा ये संदेश है कि आप आएं और ब्लड दे जो आप किसी भी आदमी के काम, एक आदमी की जिंदगी बचा सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू। आज हमारे वॉलीबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ में ब्लड डोनेशन का भी सभी युवाओं द्वारा ब्लड डोनेट किया जा रहा है, जिसमें अभी हमारे दो युवा जो कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं और काफ़ी युवा हमारे वेटिंग में खड़े हुए हैं, इनके द्वारा भी ब्लड डोनेट, अभी इन भाई साहब ने ब्लड डोनेट किया है, इनको अभी देखो सर्टिफिकेट भी दिया गया है धर्मवीर को, धर्मवीर ने एक मेडल भी इनको प्रदान किया गया है। ब्लड डोनेट करना प्रयोग मिला, हाँ ब्लड डोनेट करने पे और सीकेआरडी ब्लड सेंटर द्वारा सर्टिफिकेट और मेडल दिया जा रहा है। ये हमारी जो टीम है सीकेआरडी हॉस्पिटल ब्लड सेंटर झुंझुनू से है, और ये ब्लड के सभी जो प्राइमरी चेकअप हैं इनके द्वारा करके और उनके बाद में ब्लड डोनेट की शुरुआत की जाती है, और उसके बाद सभी डोनेटरधारियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। सुनील कुमार जी महिला भी पहुंच चुके हैं, किसान फोरम झुंझुनू से सुनील कुमार जी महिला भी पहुंच चुके हैं, जो हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं सुनील कुमार जी महिला। बस कुछ ही पलों का इंतजार, मैं
Oh,